हाय एवरीवन, आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं हैदराबाद की स्पेशल डेजर्ट रेसिपी। खाने में बहुत डिलीशियस लगती है, साथ में हेल्दी भी बहुत होती है और हैदराबाद के अलावा ये बहुत सारी जगह पर पसंद की जाती है। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है काशी फल। हमने लिया है यहाँ 250 ग्राम काशी फल और इसे हमने यहाँ पर धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया था और इसे ग्रेट कर लिया है। इसे हम पम्पकिन भी बोलते हैं, ये सभी जगह इजीली आराम से मिल जाता है। तो अब हम लेंगे एक पैन और पैन में ऐड किया है मैंने यहाँ पर देसी घी, मीडियम साइज़ का एक चम्मच देसी घी ऐड किया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे काशी फल जो हमने ग्रेट करके रखा है और इसे मीडियम फ्लेम पर हमें अच्छे से इस तरीके से भूनना है। इसे अच्छे से इसी तरीके से चलाते रहना है, हाई फ्लेम पर हमें नहीं करना है। ये देखिए फ्रेंड, ये अच्छे से भून गया है। 5 मिनट हमने इसे अच्छे से भून लिया है और उसके बाद में कवर कर देंगे इसे प्लेट के साथ में और 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही ढककर पकने देंगे इसे। और 5 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे कि हमारा काशी फल अच्छे से सॉफ्ट हुआ है या नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा काशी फल जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल ऐसा ही हमें चाहिए। ये अच्छे से मैश हो गया है और अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। इसके बाद में हम ऐड करेंगे इसमें 300 ग्राम मिल्क, बॉयल किया हुआ मिल्क है ये। और अब हम इसे पकने देते हैं, 4 से 5 मिनट तक हम इसे अच्छे से पकने देते हैं मीडियम फ्लेम पर और इसे ऐसे ही स्टिर करते रहेंगे बीच बीच में। और जब ये हमारा पक जाएगा उसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। मैंने यहाँ पे 5 बड़े चम्मच शुगर ऐड की है। आप जैसा भी खाना पसंद करते हैं, कम शुगर और ज़्यादा शुगर, उस हिसाब से इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से स्टिर करना है इस तरीके से। शुगर डालने के बाद में ये पानी छोड़ेगी तो ये थोड़ा सा और जो है पतला हो जाएगी, लेकिन हम इसे अच्छे से पका लेंगे। और उसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे इसका स्वाद बढ़ाने के लिए, इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे एवरीडे का नेस्ले का मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी। मैंने यहाँ पर 10 रुपीज़ वाला पूरा एक सैशे डाला है। और अगर आप ये सैशे ऐड नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर मावा भी ऐड कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। और इसे थोड़ा सा हम और 2 से 4 मिनट तक पकाएंगे क्योंकि ये ठंडे होने के बाद तो थोड़ी सी थिक हो जाती है, इसलिए हम इसे थोड़ा सा पतला ही रखेंगे। और ये देखिए, ये हमारी बन गई है। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर। मैंने यहाँ पर 2 से 3 इलायची का पाउडर ऐड किया है। इससे बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आती है इसकी और स्वाद इसका दोगुना हो जाता है। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा डेजर्ट तैयार हो गया है बनकर। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। इस स्पेशल डेजर्ट को या खीर को व्रत में भी बनाकर खाया जाता है। ये व्रत स्पेशल भी है तो आप बनाना चाहें तो व्रत में भी इसे बनाकर खा सकते हैं। फाइनली हमारी हैदराबाद स्पेशल डेजर्ट रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। इसे मैंने ड्राई फ्रूट्स के साथ में और रोज़ पेटल्स के साथ में गार्निश किया है। इसे आप एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। ट्रस्ट मी फ्रेंड, ये आपको और बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ में। मिलती हूँ आपसे अपनी एक और न्यू रेसिपी में। टेक केयर।